सबसे पहले ये चेक करो, यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल सबमिशन करा था जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो लिंकिंग करी है, लिंक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा वेबसाइट भी ओपन हो रहा है। लेकिन मैंने अब क्या करा है कि उसी लिंक्स के ऊपर मैंने टीयर टू बैकलिंक्स बनाया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे जो लिंक आपको दिख रहा है इस पे मैं क्लिक करूंगा, मेरा यहाँ पे बैकलिंक्स ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरा बैकलिंक ओपन हो रहा है। आप देख, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है टीयर टू बैकलिंक्स को यूज करके आप अपने बैकलिंक्स को गूगल में इजिली इंडेक्स करा सकते हो, और बहुत फास्टली आप इंडेक्स करा सकते हो, और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको कुछ साइट्स भी प्रोवाइड करूंगा जिसके मदद से आप अपने लिंक्स को गूगल में इंडेक्स भी करा सकते हो। तो गाइस, वो इंडेक्स कैसे होगा और वो साइट्स आपको कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो है वीडियो में बने रहना, आपको सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर SEO की वीडियोस आपको मिलती रहेगी, और वीडियोस के साथ आपको जो है विथ प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जिस मेथड पे मैं बात करूँ वो है टीयर टू। अब टीयर टू का मतलब होता क्या है, अब मैं प्रैक्टिकली एक एक चीज़ें समझाऊंगा, अगर आप ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगा कि आप लिंक्स को कैसे गूगल में इंडेक्स करा सकते हो। अब टीयर टू का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम वो चीज़ समझेंगे, उसके बाद हम साइट्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और साइट्स पे आपको लिंक्स कैसे सबमिट करना है वो भी। स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा जहाँ पे जो है आपको यूअर साइट लिखा हुआ है, फिर टीयर वन लिखा हुआ है, फिर टीयर टू लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको जो है यूअर साइट का मतलब ये होता है कि जहाँ जो आपकी वेबसाइट हो। अब टीयर वन का मतलब ये होता है जहाँ पे आपने अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाया होगा, ठीक है। अब टीयर टू का मतलब ये होता है जो आपने जो बैकलिंक बनाया है उसके ऊपर फिर से आपने एक बैकलिंक बनाया है, उसको हम टीयर टू बोलते हैं। अब इस मेथड को यूज करके आप अपने बैकलिंक्स को बहुत जल्दी गूगल में इंडेक्स करा सकते हो। अब इस मेथड को यूज करने के लिए आपको कुछ साइट्स चाहिए होंगे जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आपके पास पहले से साइट्स है आप उन साइट्स को यूज कर सकते हो, लेकिन टीयर टू बैकलिंक्स उन साइट पे बनाना जिन साइट्स पे बहुत जल्दी इंडेक्सिंग हो और बहुत जल्दी क्रॉलिंग हो। अब आपको पता ही है बहुत जल्दी इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स पे होती है या गेस्ट बुकिंग वाली साइट्स पे होती है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ साइट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये लिस्ट आपको कैसे मिलेगा, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगा, अब बस व्हाट्सएप चैनल पे चले जाना आपको मिल जाएगा, और स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे लोगों ने जो है यहाँ पे बैकलिंक्स को अपडेट करा हुआ है। अब उनसे होगा क्या कि आपके जो बैकलिंक्स है वो गूगल में इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने ये लॉजिक तो आपको समझ आ गया कि आपको जो है टीयर टू बैकलिंक्स यूज करके आप अपने लिंक्स को गूगल में इंडेक्स इजिली आप कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन करा, और वेबसाइट ओपन करने के बाद जहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन होगा आप लॉग इन कर लेना, और जहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे लॉग इन मत करना। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिंपली मैंने ऐड एंट्री पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने नेम अपडेट कर दिया, और यहाँ पे मेरे URL को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद आपको सिंपली ऐड एंट्री पे क्लिक करना है, जैसे ऐड एंट्री पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे लिंक्स यहाँ पे लाइव हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके जो लिंक्स है वो इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएगा। ये एक हैक है, अगर आप इसको अगर यूज करोगे और इस मेथड को अगर आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको लिंक इंडेक्सिंग करने के लिए या बैकलिंक इंडेक्सिंग करने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मेथड जो है प्रूवन मेथड है। ये मेथड मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और आज मैंने आपको रिवील भी कर दिया, आज मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और बता दूँ, टीयर टू बैकलिंक्स जो बनाते हो आपको कोशिश करना है कि सबसे ज़्यादा आपको ब्लॉग कमेंटिंग या गेस्ट पोस्ट गेस्ट बुक वाले जो बैकलिंक्स होते हैं उन पर आप बैकलिंक्स बनाओगे तो तब जाके आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। होपफुली गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो भी अगर कोई भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन होता है तो गाइस कमेंट में जरूर बताना। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच गाइस।